कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी किसी का नाम बता दीजिए जो ये नहीं मानता हो कि ये नीतीश कुमार के प्रयास से ही ये गठबंधन बना है। अगर नहीं के कोई बोल रहा है इसका मतलब नीतीश कुमार की सबसे केंद्रीय भूमिका उसी से स्पष्ट है। नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका किसको स्पष्ट नहीं है ये बताइए क्या स्पष्ट नहीं है। नहीं ममता बनर्जी ने क्या कहा सो नहीं, नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका स्पष्ट नहीं है ये कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी किसी का नाम बता दीजिए जो ये नहीं मानता हो कि ये नीतीश कुमार के प्रयास से ही ये गठबंधन बना है बताइए। और अगर नहीं के कोई बोल रहा है इसका मतलब नीतीश कुमार की सबसे केंद्रीय भूमिका उसी से स्पष्ट। और नेता कौन होगा ये कितनी बार सारे दल के नेताओं ने कहा है। तो आप लोग तो मनोरंजन के लिए किसी का बयान चलाते हैं वरना हर दल के नेता ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शरद पवार जी ने, सभी जो दल हैं बड़े बड़े दल हैं सभी के नेताओं ने ये साफ कह दिया है कि पहले हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे आपसी सहमति से और वन वर्सेस वन मतलब एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार की स्थिति बनाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद जब रिक्त हो जाएगा यानी भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी उसके बाद सभी घटक दल बैठ के इंडिया के नेता का सर्वसम्मत चुनाव आसानी से बिना समय गवाए हो जाएगा। ये बात बार बार साफ कर दी गई है। जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लाकर, किसने निर्णय ले लिया आपको पता होगा, हमको तो निर्णय का नहीं पता है। लेकिन आपके पार्टी के सांसद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कहाँ सवाल, अब पार्टी के सांसद कहते हैं या किसी पार्टी के सांसद कहते हैं कोई कुछ बोलता है, हम पार्टी की जो राय है उसकी बात करते हैं। पार्टी का सांसद या कोई तो इसलिए बोलता है कि आप लोग का मनोरंजन होता है, आपको चैनल का समाचार कुछ घंटे चला देने की स्थिति या मसाला मिलता है इसलिए। और बाकी अब आप समझिए ना, जरा आप सब लोग हमारे बात का मतलब थोड़ा संज्ञान लीजिए। जब किसी पार्टी के संपूर्ण पार्टी के निर्णय की अहमियत आपके लिए कम हो जाती है अगर कोई एक आदमी कुछ बोलता है किसी पार्टी का हो, आपको तो ये उस बयान वाले को ना पूछना चाहिए जो भाई आपके पार्टी का ये निर्णय है तो आप ये कैसे बोल रहे हैं। तो उल्टे आप उसी को अहमियत दे के वो पैनल बैठा दिए, अब 3 घंटा दिखाने का, दर्शक कैप्चर करने का एक मतलब बहाना तो मिल गया। सर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की भूमिका पे कोई सवाल नहीं है इंडिया गठबंधन में, बिल्कुल तो नहीं। क्या मानते हैं कि अभी जो संयोजक के तौर पे उनको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को रखा गया है, यानी भविष्य में अभी भी प्रबल दावेदारी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री? आप भविष्य की चिंता क्यों करते हैं, वर्तमान में जिए और वर्तमान में इंडिया गठबंधन को संगठित करने में नीतीश कुमार की जो भूमिका है ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, सभी दल इससे परिचित। अच्छा, जेडीयू की शिक्षा प्रकोष्ठ की आज बैठक हुई, शिक्षा पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो,
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।